Hey guys, welcome to my YouTube channel. This is Afreen Memon. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. सबसे पहले दोस्तों, जिस तरह मैंने कुछ रिव्यूज़ अपनी YouTube के जितनी वीडियोज़ मैंने अब तक अपलोड किए उस पर मैंने कई सारे रिव्यूज़ पढ़े लोगों के, तो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट जो कॉमन मिली वो ये थी कि फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो महिलाओं की प्रॉब्लम्स है, मे बी पीरियड्स बोल सकते हैं या ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है या प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम है, इसके रिलेटेड लोग चाहते थे कि मैं इस पर बात करूं, आपसे इस पर चर्चा करूं. तो मैंने यही टॉपिक आज चूज़ किया है. और मैं बिफोर वी बिगिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो भी कॉन्वर्जेशन हम फीमेल की रिलेटेड करने वाले हैं, ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है. ये आपके पीरियड्स इरेग्युलर है या पीरियड्स ओवर आ रहे हैं या प्रेगनेंसी है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगर है तो आपके केस के हिसाब से ये वेरी कर सकता है. इट इज़ डिफरेंट डिफरेंट. हम लोग जनरल पॉइंट से, बेसिक से समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है. तो आज का जो मेरा टॉपिक है न्यूट्रिशनल फैक्ट्स में, उसका न्यूट्रिशनल फैक्ट्स का आज का मेरा जो टॉपिक है वो है ल्यूकोरिया यानी वाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी. ये जो कॉमन नाम से हम लोग जानते हैं, ये ल्यूकोरिया की अगर मैं बात करूँ तो ल्यूकोरिया बहुत सारे कैटेगरीज के होते हैं. ल्यूकोरिया का अर्थ अगर मैं समझा दूँ, ल्यूकोरिया इज़ अ मेडिकल लैंग्वेज. उसको हिंदी में बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम भी कहते हैं और वाइट डिस्चार्ज भी बोला जा सकता है. ये बेसिकली कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कॉमनली ज़्यादातर ल्यूकोरिया जो है वो वाइटिश और येलोइश इस तरह के पाए जाते हैं. ल्यूकोरिया इज़, मैं एक बात बता दूं आपको कि ल्यूकोरिया कोई डिजीज़ नहीं है, ये डेफिशिएंसी है. एक बार ल्यूकोरिया को ट्रीट कर दिया फिर दोबारा ये लाइफ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है. इट मे अकर, आपकी डाइट, आपकी लाइफस्टाइल, आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से ये दोबारा आ सकता है, जा सकता है. तो ज़रूरी है कि जिस भी महिलाओं को ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है सफ़ेद पानी की, वो स्ट्रेस ना ले, कोई टेंशन नहीं है. दिस इज़ चेंज ऑफ बॉडी. ये बॉडी में जैसे परिवर्तन आता है वैसे ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम्स होती हैं, पर इसको ट्रीट किया जा सकता है, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है. इसके कई सारे कारण हो सकते हैं. तो चलिए आज समझते हैं थोड़ा सा डेप्थ में ल्यूकोरिया की समस्या को. बहुत सी महिलाओं को ल्यूकोरिया यानी वाइट डिस्चार्ज की जो समस्या है वो ज़्यादातर होती है पीरियड्स यानी उनका जो मासिक धर्म है उसके आने से पहले. बहुत सी महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स चले जाने के बाद भी बहुत सी महिलाओं को ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम होती है, विच इज़ कॉमन. अगर ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम आपको ऐसी हो रही है तो इसको इग्नोर ना करें. सफ़ेद पानी या वाइट डिस्चार्ज जाना इज़ नॉट ईजी. जो हम लोग सोचते हैं कि ठीक है ये एक समय के साथ चला जाएगा ये वो, लेकिन इसको ट्रीट करने की ज़रूरत है. ये समय के साथ जाने वाली चीज़ नहीं है. कभी कभार ऑफनली हो गया तो वो एक पॉइंट डिफरेंट है, लेकिन अगर ये ऑफनली आपको हो रहा है बार बार तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसको ट्रीट करें. तो समझते हैं सफ़ेद पानी की समस्या को एग्जैक्टली. अब मैं आपसे कुछ पॉइंट से बात करूँगी इसके रीज़न. सबसे पहले तो समझते हैं कि ल्यूकोरिया यानी वाइट डिस्चार्ज किसी भी महिलाओं को होता क्यों है, इसके कारण क्या है. तो थोड़े से कारण पे ध्यान देंगे. सबसे पहले, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली यानी तेल वाला खाना अगर ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी में जाने लगता है तो वो एक कारण बन जाता है सफ़ेद पानी जाने का. तो सबसे ज़्यादा ऑयली खाना अगर आप खा रहे हैं तो ल्यूकोरिया की चांसेस हैं कि हो रहा हो. दूसरा कारण है कि आप मीठी चीज़ या ठंडी चीज़ भी अगर ओवर बॉडी में खा रहे हैं तो भी चांसेस है कि सफ़ेद पानी की समस्या हो. साथ में अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स यानी बोल सकते हैं दूध, घी या बटर, ये भी अगर आपकी बॉडी में एक्सेस जा रहा है तो भी आपको सफ़ेद पानी की समस्या शुरू हो जाती है ल्यूकोरिया की. उसके बाद में इम्प्रॉपर डाइट, हो सकता है कि आपकी डाइट ऐसी है कि आप प्रॉपर टाइम पे खाते पीते नहीं हैं, पानी बॉडी में कम हो जाता है. साथ में पीरियड्स यानी मासिक धर्म, जो महीना आता है पीरियड्स आता है वो टाइम पे ना आए तो भी ल्यूकोरिया के होने के चांसेस हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तनाव भी एक कारण हो सकता है ल्यूकोरिया का. और एक जो है वेजाइनल हाइजीन, यानी अगर आप हाइजीन नहीं रखते हैं, हाइजीनिक अगर आप नहीं रखेंगे प्राइवेट पार्ट्स को, तो भी चांसेस है कि ल्यूकोरिया अकर हो सकता है. ये तो रहे इसके होने के कारण. अब अगर ल्यूकोरिया किसी को हो जाए तो नॉर्मली क्या सिम्टम्स बॉडी देती है, जैसे महिलाओं को बहुत अच्छे से पता होगा बैक में पेन होता है, बैक में पेन शुरू हो जाता है, ऑल ऑफ अ सडन दर्द रहता है, झुकने में, उठने, बैठने, सोने में एक पुल, एक ऐसा खिंचाव आता है कमर की तरफ, ये उसका एक सिम्टम है. दूसरा हो सकता है कि आपको कमज़ोरी लगे, हमेशा एक तरह की कमज़ोरी लगती है, लेजी आप लगते हो, एनर्जी नहीं रहती है, हमेशा आप ऐसे रहते हैं.
वीकनेस एक तरह की आपकी बॉडी में रहती है। तीसरी चीज ये है कि आपको इरिटेट होता है, इरिटेशन, बार बार इरिटेट होता है, कोई भी चीज से इरिटेट होता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ करता है तो इरिटेट होता है। ये कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं जो ल्यूकोरिया के टाइम पे आपको होते हैं, पर ये टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि सिम्टम्स है। अब ल्यूकोरिया यानी सफेद पानी की समस्या है तो ये सिम्टम्स तो बॉडी देने वाली है। अब ये तो रही प्रॉब्लम्स की बात, तो ल्यूकोरिया अगर आपको किसी भी तरह का है, व्हाइटिश है, येलोइश है, ब्राउनिश है, किसी भी तरह का सफ़ेद पानी की अगर समस्या है तो अब इस पर करना क्या है, समाधान क्या है इसका। तो क्योंकि मैं खुद न्यूट्रिशन फील्ड से हूँ, आप सभी लोग मुझे इतने टाइम से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, तो मैं आज भी आपसे बात करूँगी डाइट पे ही। मैं किसी भी मेडिसिंस को तुरंत स्टार्ट करने में विश्वास नहीं रखती हूँ क्योंकि न्यूट्रिशन एंड डाइट ऐसी चीज़ है जो जहाँ से हम अपने ट्रीटमेंट फास्ट, इजी एंड हेल्दी मैनर में कर सकते हैं। तो डाइट क्या लेना है जब आपको सफ़ेद पानी की समस्या होगी, तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं उस बात पे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैंने कहा था, जो इसका कारण है, ऑयली और तली हुई चीज़ें, यानी ज़्यादा तेल वाली चीज़ और फ्राई की हुई चीज़ों को क्या करना है, बंद करना है कुछ दिन के लिए, या अवॉइड करना है, वन थिंग। दूसरी चीज़ क्या करना है, तीखा खाना। बहुत से लोगों को आदत होती है कि तीखा लग रहा होता है, आंखों से आंसू जा रहे होते हैं, फिर भी उनको उतना तीखा खाना होता है, ये आपकी ल्यूकोरिया वाली प्रॉब्लम्स के लिए ठीक नहीं है फ्रेंड्स। तो स्पाइसी खाना यानी तीखा खाना मत खाइए। आगे चलते हैं, उस टाइम पे, कुछ टाइम के लिए जब तक आप ल्यूकोरिया को ट्रीट कर रहे हैं, चाय और कॉफ़ी ओवर मत पीजिए, कंट्रोल करिए। कॉफ़ी ज़्यादा नुकसान करती है, चाय, बहुत से लोगों को आदत होती है कि चाय बिना काम नहीं चलता है, तो ठीक है चल जाएगा, लेकिन कॉफ़ी नॉर्मली नुकसानदायक होती है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। आगे चलते हैं, उसके बाद में अल्कोहल, बहुत सी फीमेल्स ऐसी होती है जिनको वाइन वगैरह कंज्यूम करने की या बियर कंज्यूम करने की आदत होती है, ये नुकसानदायक हो सकता है, आपकी ल्यूकोरिया की समस्या को बढ़ा देगा। नॉन वेज फूड अगर, यानी जो लोग मांसाहारी होते हैं, नॉन वेज खाते हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो कुछ दिन तक या कुछ टाइम तक एटलीस्ट नॉन वेज फूड को ना खाएं, यानी जो भी मटन, चिकन, फिश में भी सिलेक्टेड फिश है जिसको खा सकते हैं, तो ये नॉन वेजिटेरियन चीज़ें जो है इसको बंद करें, क्योंकि इन्फ्लेमेशंस को बढ़ाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये बॉडी में एसिड लेवल या इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगी, तो ये चीज़ों को ना खाएं। और थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करें जब आपको सफ़ेद पानी की समस्या हो। हाइजीन का मतलब क्या होता है कि एक दिन में अगर आप नॉर्मली 3 बार या 2 बार वॉशरूम यूज़ करते हैं, तो आपको 4 से 5 बार वॉशरूम यूज़ करना है। हाइजीन रखना है, क्लीनिनेस रखनी है, और बार बार वॉशरूम यूज़ करना है, ताकि आपकी जो वेजाइनल है या जो प्राइवेट पार्ट है वो हाइजीनिक रहे, क्लीन रहे। और क्योंकि बहुत सी बार ये होता है कि ल्यूकोरिया की वजह से कभी कभार बहुत सी महिलाओं को स्वेटिंग यानी पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है, तो ज़रूरी है कि हाइजीन को मेंटेन किया जाए। अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो ल्यूकोरिया बढ़ के फिर स्मेली ल्यूकोरिया, ब्राउन ल्यूकोरिया, इस तरह के ल्यूकोरियास के अलग अलग वर्जन में चला जाता है। तो बेसिकली जब आपका ल्यूकोरिया या वाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी की समस्या जब शुरू होगी, तभी से हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। वॉशरूम 4 से 5 बार यूज़ करिए और हाइजीनिक रखिए। हाइजीन जितना रहेगा यानी सफाई जितनी रहेगी, उतना आपका ल्यूकोरिया जो है वो जल्दी क्योर हो सकता है और ट्रीट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अपने खाने में जो सबसे ज़्यादा इंक्लूड करना है वो है वेजिटेबल्स और सलाड्स। सलाड्स यानी हम लोग जो सलाड्स खाते हैं, ग्रीन हरी सब्जियों का सलाड बना के खाते हैं, जैसे ककड़ी है, टमाटर है या मूली है, इस तरह की चीज़ों का हम सलाड बना के खाते हैं, तो इसका कंजम्पशन ज़्यादा रखिए, इसको ज़्यादा कंज्यूम करिए जब आपको ल्यूकोरिया की समस्या हो रही हो, और साथ में हाइजीन मेंटेन करिए। तो आई होप कि फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये ल्यूकोरिया पे प्रॉपर बनाई गई है, सफ़ेद पानी, वाइट डिस्चार्ज, जो नाम आप जानते हैं। आई होप कि ये एक वीडियो बहुत सी महिलाओं को हेल्प करेगी उनकी ल्यूकोरिया की समस्या से बाहर आने के लिए। दोस्तों, ल्यूकोरिया की समस्या जब आपको होगी तो आप डायरेक्टली कोई मेडिसिन स्टार्ट कर दे, डायरेक्टली कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे, मैं सलाह नहीं दूंगी, लेकिन अगर आप इनिशियल स्टेज पे ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है। और ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, कॉमनली होती है महिलाओं को, तो ज़्यादा टेंशन लेने की या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इट्स वेरी कॉमन डिजीज़। तो आई होप फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस रिलेटेड अगर कोई और वीडियोस आप मुझसे चाहते हैं कि मैं उस पर बनाऊँ, तो मैं वो वीडियोस आपके सामने लेके ज़रूर उपस्थित होंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ब्लेस्ड, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।